उन लोगों का कहना है कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, तुम चल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है। वहीं पर कुछ दलाल लोग घूमते हैं जो कहते हैं कि 3,000 दो, 2,000 रुपया दो। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। पूर्व में भी मैंने जिला अधिकारी को ये जानकारी दी थी कि झाझा की मार्केटिंग ऑफिसर हमेशा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहती हैं और स्थानीय लोग अपने राशन कार्ड बनाने के चक्कर में चक्कर पर चक्कर काटते रहते हैं। वहीं पर कुछ दलाल लोग घूमते हैं जो कहते हैं कि 3,000 दो, 2,000 रुपया दो, तब तुम्हारा राशन कार्ड बनेगा। ऐसी स्थिति में गरीब लोग कहाँ से 2,000 3,000 रुपया लेकर के आएंगे, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। मैंने भी कई बार मार्केटिंग ऑफिसर संपर्क करने की कोशिश की, उनसे एक बार एकमात्र फ़ोन पर बात हुई, दोबारा उनसे संपर्क नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि यहां पर मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में विशेष संज्ञान लिया जाए, ये जो कि श्रीमान जिलाधिकारी इस पर विशेष संज्ञान ले। नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। पति का क्या नाम है? दीपक कुमार सिंह। क्या परेशानी है आपकी? वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, 2 साल हो गए अभी तक बना नहीं है। क्या कहा जा रहा है कार्यालय में? वो ब्लॉक में गए थे लेकिन बोला अभी तक बना नहीं है और कुछ पैसा अभी मांग रहे हैं वो लोग। कितने पैसे की मांग हो रही है? 3,000 रुपए। कौन मांगते हैं, कार्यालय में मांगा जा रहा है या बाहर में दलाल लोग हैं? जो दोनों जगह मतलब बोला जा रहा है कि कुछ पैसा लगेगा। आप पैसा क्यों नहीं दे रही है? पैसा नहीं है। तो राशन कैसे उठा रही है आप? राशन अभी बना ही नहीं है तो हम लोग उठाएंगे कैसे? क्या चाहती है सरकार से? कि हम लोग का भी राशन कार्ड बने। तो 3,000 रुपया दीजिएगा घुस तब ना आपका राशन कार्ड बनेगा, पैसा तो आप दे नहीं रही है जी। क्या कभी आपने मार्केटिंग ऑफिसर संपर्क करने की कोशिश की? जी नहीं, गए थे लेकिन उनसे मिल नहीं पाए थे। कितने बार गई? 2-3 बार गए, वो बाहर रहते शायद, जितना बार भी गए तो नहीं मिल पाए उनसे। क्या चाहती है सरकार से कहना आप? कि हम लोग का भी राशन कार्ड बने। क्या नाम है, नाम बताओ अपना? मनीष सिंह। पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय राम सेवक सिंह। कहाँ घर हुआ? झाझा बाजार। क्या परेशानी है? राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन किए हैं, अप्लाई करते हैं वहाँ जाकर के, तो जो है सो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता है दूसरा बना के लाना होगा, ऐसे वैसे बहुत तरह का बात बरगलाने का कोशिश करता है। और जब तक बोलता है पैसा नहीं देगा वहाँ, तब तक जो है सो नहीं बनेगा। कितने पैसे की डिमांड होती है वहाँ? लगभग 3,000 के लगभग। 3,000 मांगा जा रहा आपसे? हाँ। कार्यालय में जो कर्मचारी है वो मांग रहे हैं या बाहर में जो दलाल रहते हैं वो मांग रहे हैं? बाहर में दलाली भी, वो बाहर के दलाल और कर्मचारी दोनों को, दोनों मांग रहे हैं पैसा। 3,000 रुपया दिए तो राशन कार्ड आपका बनेगा। हाँ। और मेरा राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन इसमें 2 लड़के का नाम छोड़ा हुआ है, वही दोनों लड़के का नाम इसमें जोड़ना है। इसके लिए क्या कहा जा रहा आपसे कार्यालय में? कार्यालय में बोला गया पहले कि ऑनलाइन कीजिए, जब हमने ऑनलाइन कर दिया तो वहाँ पर बोलता है कि इसका माने नहीं है। अच्छा। और यहाँ से करना होगा, उसके लिए अलग से फी लगेगा, उसके लिए अलग से फिर खर्चा लगेगा, ये सब बोल करके वहाँ से। क्या कभी आपने मार्केटिंग अफसर संपर्क करने की कोशिश की? मार्केटिंग अफसर हमें नज़र आवेंगे तब तो, मार्केटिंग अफसर तो हमें नज़र ही नहीं आते हैं, मार्केटिंग सीधा दलाल के थ्रू काम। ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, मेरे पास कागज भी है, दो साल से हम की ये करवाए हुए हैं लेकिन अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। कहाँ घर है आपका? झाझा। कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? नंबर। कितना नंबर वार्ड है? 18 नंबर। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो मेरे पास मेरे साथ बहुत है जी, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वृद्धा पेंशन नहीं बना है, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, इसके लिए तो हम बहुत चक्कर लगा चुके हैं। कितने पहले आवेदन दिए थे? 2 साल। 2 साल पहले ऑनलाइन किए? ऑनलाइन किए हैं जी, ऑनलाइन में भी नहीं हुआ, ब्लॉक में भी गए वहाँ से भी नहीं हुआ। हाँ, मार्केटिंग ऑप्शन नहीं मिलती है। कितने बार गए आप वहाँ पर? बहुत बार गए हैं, 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, मार्केटिंग ऑफिसर मुलाकात नहीं होती? नहीं। दलाल लोग जो वहाँ है ना, वो लोग बोलते हैं कि 3,000 रुपया दो तब जो है सो राशन कार्ड बना देंगे। दलाल लोग कहाँ पर रहते हैं? यही बाजारे का है। बाजारे के हैं और वहाँ पर ब्लॉक में रहते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर कार्यालय में रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहती हैं सरकार से आप? मेरा राशन कार्ड बन जाए, जो सुविधा सरकार दे रही है वो सुविधा मिलना चाहिए। जब आपसे मार्केटिंग ऑफिसर से संपर्क नहीं हो रहा था कैसे फिर आपका राशन कार्ड बनेगा? क्या कहना चाहती है सरकार से?
सरकार से कहना चाहती हैं कि मेरा राशन कार्ड बन जाए। रंजीत शर्मा नाम हुआ। कहाँ घर है? कैथरू नवादा। क्या बात है, क्या परेशानी है? डेली पी के आता है, मारपीट घर में घुस के डेली करता है, ईटा पत्थर से, ना हमको घर बनाने देता है, ना मेरा हिस्सा देता है, कुछ नहीं देता है। सब 7-8 गो जनगर परिवार है, मारपीट करने घर में घुस के आ जाता है। जाता भाई भाई आता है, उसका पुतो आता है, हमारा भोजा आता है, बमशंकर शर्मा है, उधर सुरेंद्र शर्मा है, किरण देवी है, सुनैना देवी है, सिया देवी है, सब। क्या कहना उन लोगों का? उन लोगों का कहना है कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, तुम चल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है। तो के भाई है? हम 3 भाई हैं सर। कौन भाई बोला हिस्सा नहीं देंगे? दोनों, बड़ा और मंझला दोनों, हम छोटे हैं। क्या कारण है भाई हिस्सा नहीं देने का? बेईमानी का नियत है सर। सरकार थाना में आवेदन दिए हो? हाँ। क्या सरकार से मांग करते हो? हम इसका फैसला चाहते हैं, उचित फैसला, उचित न्याय हो जाए। हम कहाँ जाएं, घर बनाने का भी जगह नहीं दे रहा सर, हम कहाँ जाएं?